अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीरा इरफान है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने 1997 में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था ऑप्थेमोलॉजी में। उसके बाद मैं सारी ट्रेनिंग हायर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड चली गई, जहाँ 5 साल ट्रेनिंग के बाद FRCS मैंने 1993 में किया था। वहीं पे मेरी एज कंसल्टेंट सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन वो मैं छोड़ के सऊदी अरब चले गई। वहाँ पे मैंने मज़ीद 12 साल रही, काम किया। उसके बाद दिल नहीं माना और वापस पाकिस्तान 20 साल बाद आ गए कि यहाँ पे लोगों को बेहद ज़रूरत है एक पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट की। सो पिछले 9 साल से मैंने मुगल आई हॉस्पिटल में ऑक्यूलोप्लास्टिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी का भी। पूरे मुल्क से हमारा रेफरल था और वो फ्री सर्विस थी। उसके साथ ही अब मैंने ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू की है। मुगल आई हॉस्पिटल मैंने छोड़ दी है। 2014 में मुझे बेस्ट पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट का गोल्ड मेडल मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मैं अब ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी, ग्लाकोमा, न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी, मेडिकल कॉर्निया और स्क्विंट। अपने पेशेंट्स की लुक आफ्टर करने के अलावा मैं ऑनलाइन पढ़ाती भी हूँ। मेरे इस वक्त 250 के करीब स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा इंडिया मुझे रेगुलरली बुलाया जाता है वहाँ की डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में, और पूरे पाकिस्तान में भी मैं जाके लेक्चर्स देती हूँ डॉक्टर्स को। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों की जो नज़र है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। सब तकरीबन हर बच्चे को ऐनक की ज़रूरत है, और उसकी मेन वजह है सेलफ़ोन का बेहद इस्तेमाल। बच्चा 1 साल का होता है, पेरेंट्स उसको सेलफ़ोन ला देते हैं। उसके बाद आईपैड, लैपटॉप्स, बाहर खेलना और बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल पेरेंट्स ने छोड़ दी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हालांकि लेटेस्ट रिसर्च ये है कि जितनी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, आई साइट जो है उसे इम्प्रूव होती है और ऐनक के नंबर बढ़ना बंद हो जाते हैं। इसी तरह बैड रीडिंग हैबिट्स, झुक के लिखना, झुक के पढ़ना, इनसे भी आई साइट दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है, ऐनकों के नंबर बढ़ते जाते हैं और स्क्विंट जो है तकरीबन हर बच्चे में अब देखी जा रही है। अच्छी डाइट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आई साइट की, जो रैपिडली जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इनको के उनको कंट्रोल करने के लिए। वो इसलिए कि आईज जो हैं ये दिमाग का हिस्सा है, और जितनी बच्चे की जनरल हेल्थ अच्छी होगी उतना ही उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी आईबॉल की ग्रोथ है वो बेहतर होगी, और उतना ही एनकों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जितना भी ये जंक फूड है, जितना बच्चे बाहर से खाना खाते हैं वो बंद कर देना चाहिए। बच्चों की डाइट में फल, मीट, एग, अंडा, दही, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं ऐड करने। एक बच्चों में और बड़ों में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है लेज़ी आई का। यहाँ पे अक्सर डॉक्टर्स और पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि जी लेज़ी आई सिर्फ बचपन में ट्रीटेबल है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक बिल्कुल एक मिथ है जो कि मेरी लेटेस्ट रिसर्च ने इसको डिसप्रूव कर दिया है। मेरी लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हुई है इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी और स्ट्रैबिस्मस में, और मेजॉरिटी इसमें जो मेरे पेशेंट्स थे वो एडल्ट्स थे, मोर देन 20 इयर्स ऑफ एज। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि लेज़ी आई की ट्रीटमेंट नहीं है। इट कैन बी वेरी इजीली मैनेज्ड और एंड ट्रीटेड। एक और जो बड़ी गलतफहमी पेरेंट्स और जनरल डॉक्टर्स को होती है कि जी जो भेंगापन है वो पट्ठों की कमज़ोरी से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भेंगापन शुरू होता है नज़र की कमज़ोरी से, जो डिटेक्ट नहीं की जाती बच्चों में, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनको बच्चों को जल्दी ऐनक दी जाती है, जिससे कि लेज़ी आई भी हो जाती है और साथ साथ भेंगापन भी आना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि जी आप सीधे सर्जरी करा लें, सर्जरी इसका एक आखिरी हल है। बहुत से बच्चे और उनमें जो बहुत ज़्यादा भी भेंगापन हो जाए तो वो उसका ऐनक देने से और नज़र बेहतर करने से वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आखिर में मैं बताती चलूँगी जी ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी क्या है। आँखों की बनावट को ठीक करना एक ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन का काम है। उसमें पैदाइशी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो जिन लोगों का चेहरा एसिड बर्न हो जाए
उसके बाद आईलेट्स को ठीक करना, आँख छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, महंगी हो जाए या उसमें कोई और डिफेक्ट्स हो, उसको ठीक करना एक ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन का काम है. और ये सर्जरी सारी पाकिस्तान में अवेलेबल है और इससे आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए. फाइनली, अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी पेशेंट के बारे में मालूमात चाहिए या अपॉइंटमेंट चाहिए, आप मरहम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.